जीत जाएगा। इमरान खान जीत जाएगा, जीत जाएगा। मौलाना फजल रहमान के जलसे भी आए जी, ये भाई लाए जबरदस्त। कब से इस्लाम का नाम ले रहा है वो? जब से इस दुनिया में आए हैं, जब से ले रहे हैं। हाँ, उनके साथ आवाम नहीं है, आवाम बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कितनी सीटें हैं? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया उनके साथ है। पूरी दुनिया नहीं, पाकिस्तान का बताएं बस। पाकिस्तान सारे कितनी सीटें हैं मौलाना साहब की? माशाल्लाह यार, देखो एक बंदा जिंदगी 10-15 सीटें हैं। एक बंदे को 30-40 साल हो गए, वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अवाम उसको तस्लीम नहीं कर रही, मान नहीं रही, इसकी क्या वजह है? अवाम को क्या वजह? खान साहब यहूदी झंडे है, दुनिया उसको चाहती है, ये क्या वजह है? उसकी सीटें भी देख लें, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। इमरान खान जीत जाएगा, जीत जाएगा। मौलाना फजल रहमान के जलसे भी आए हैं जी, ये भाई लाए जबरदस्त। इसको बेचारे को क्या पता है? नहीं, मैं कराची से आया हूँ स्पेशल भाई के मिलने के लिए। भाई मेरे को यहाँ लगता है आपको दावत दी होगी खाने पीने की, यही बात है ना? आपने सोचा होगा यार भाई मुझे कुछ खिलाएगा तो मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, या ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं, क्या मोहब्बत? ऐसी बात है, ये वो खुद बता रहे हैं यार, मैं तो नहीं, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। आप क्यों नाराज हो रहे हैं इधर? नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह ताला सब मोहब्बत में लाया। अच्छा चलो, अल्लाह ताला सबको ऐसा, अल्लाह ताला हुक्मरान इस पाकिस्तान पे मुसल्लत करे, तो नेक अल्लाह ताला हुक्मरान दे। बरअल ये कुरान का फैसला है, जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो हम पहले हम अपने आप को ठीक करें, तो फिर अल्लाह जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान अल्लाह। फिर अच्छा अच्छी ही आवाम होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगी। आज 100 में से 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर कहता अच्छा हुक्मरान आए, कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसे, इसलिए देखो ये तो इसमें बड़ी हम गुनाहगार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वही था कि इमरान खान यहूदी जेंट क्यों है? मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। अगर आप देना चाहें मजीद, आपको टाइम है, आप दे सकते हैं। वो मौलाना बेहतर जानते हैं। सब मौलाना पे छोड़ देते हो यार, कुछ पूछ लिया करो मौलाना से, आज इंशाल्लाह पूछेंगे ना उनसे। आज किताब की बात मैं आपको बताऊंगा, इधर आ जाए, इधर आ जाए यार, मौलाना से किताब करेगा ना, उसके बाद आप मुझसे पूछना। अच्छा अभी बता दो यार, नहीं इधर इधर अभी बता दो यार, के साथ कौन सा मुल्क है इस्लामी मुल्क? कौन सा है? किसके साथ कौन सा मुल्क है इस्लामी मुल्क? किसके साथ मौलाना साहब? इसके अपना इमरान खान के साथ। इमरान खान साहब के साथ इस्लामी मुल्क कौन है? कोई भी मुल्क। फलस्तीन के साथ कौन इस्लामी मुल्क है? फलस्तीन के साथ सभी हैं, सभी हैं यार। ये तो ना को यार, कौन अगर होते तो आज वो वहाँ कितने मुसलमान भाई फलस्तीन के लिए तो ये जलसे निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उससे क्या होगा? चलो यही सवाल है। अच्छा आप यकीन कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को? आपने मुल्कों की बात किया, मुल्क मौलाना फजल रहमान कोई सदर है, वजीर आजम है? अच्छी बात है, बहुत अच्छा। वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं यार, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम तो अच्छा है उनका। लेकिन मेरा सवाल वही था, अभी किसी को यहूदी जेंट कहना अच्छा है यार? उनके पास कोई प्रूफ है ना? आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है, लेके रख लो यार। यार कोई वजह है तो इमरान खान जेल में है ना? बड़ों के पास है, उन्होंने कहा तो कुछ। देखो ना, अगर बड़े अगर वो गलत काम कह रहे हो, गलत बात बता रहे हो, और आप उसको तस्लीम कर लेंगे? जो एक आलिम है ना, वो अंबिया का वारिस गलत नहीं है यार, दलील भी तो आलिम कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये भी बात है। इधर इधर आ जाइए, आलिम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारे बड़े ये बहुत बड़ा। तारिक जमील साहब के आपको पता है किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ये देख ले यार, कितने मुफ्ती हैं यार। अच्छा हर बंदे का अपना जहन होता है यार, कोई वो ऐसा मसला नहीं। बाकी ये अच्छा यार, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सब बात जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। अच्छा यार बस बात, मेरा सवाल वही था, लेकिन अभी तक किसी भाई ने भी इसका जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अब इसका जवाब कौन देगा, यहूदी जाट क्यों कहते हैं यार? मुझे जवाब इंशाल्लाह जब जलसा खत्म हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी तरह से दे देंगे।